हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा और आप देख रहे हैं अर्बन लाइफ। आई होप आप सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो जैसे कि आपने टाइटल से देखा, आज होने वाला है मीशो हॉल। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सा एंड क्विक सा मीशो हॉल होने वाला है, जहाँ पर मेरे पास है दो साड़ीज़ मीशो से, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस के लिए, डीआईवाई वीडियोस के लिए। एंड ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर दीजिए, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर फॉलो कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 30% ऑफ या मैक्सिमम ₹100 ऑफ मिल जाएगा। सो डू चेक आउट, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे मीशो डाउनलोड कर ले। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरे पास साड़ी है वो है बनारसी सिल्क में, इस तरीके का पिंक कलर की सिल्क में साड़ी है। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके की साड़ी है, उसके बाद इसके मटेरियल की बात करेंगे। जो ओवरऑल साड़ी है वो आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, जिसपे जरी वर्क हुआ है, थ्रेड वर्क हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा, जो कि आपको दोनों साइड में मिल जाएगा। एंड पूरी ही साड़ी इसी तरीके के वर्क में दी हुई है। पीछे का जो साइड है, अगर आप देख सकते हो, ये इस तरीके का थ्रेड वर्क यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है, पिंक एंड रेड में ये कलर है। बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरी साड़ी सेम इसी तरीके की है, सिर्फ इसका जो पल्लू है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर में दिया हुआ है, इस तरीके का ब्लू पर्पल कलर में। एंड ये आपको इस तरीके का डिज़ाइन आपको पल्लू पे मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पल्लू नहीं दिया है, बट ये इस तरीके का पल्लू दिया हुआ है। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैं यहाँ पर आपको मीशो की पिक अटैच कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। मैंने यहाँ पर ट्राई ऑन नहीं दिखाया है, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले, वहाँ मैं इसकी स्टाइलिंग एंड इसकी ट्राई ऑन पिक ज़रूर डालूंगी एंड इसकी स्टाइलिंग भी बताऊँगी। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। मटीरियल जो है बनारसी सिल्क में है। अब बात करते हैं इसकी फैब्रिक की। फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी ना थिक फैब्रिक नहीं है, कड़क फैब्रिक नहीं है। सो अगर आप इसकी प्लेट्स बनाते हैं या अच्छे से ड्रेप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फुला फुला या कड़क कड़क बिल्कुल नहीं लगेगा। इसकी प्राइस है अराउंड 800 रुपीज़। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, बट 800 रुपीज़ के हिसाब से ये जो मटेरियल है साड़ी का, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग मटेरियल है। आपको इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी एंड कंफर्टेबल भी रहेगा। तो आप इस तरीके की साड़ीज़ आप फेस्टिवल्स पे, वेडिंग में, वेडिंग फंक्शंस में बिल्कुल वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी सी ज्वेलरी के साथ एंड बैंगल्स के साथ बहुत ही सुंदर लगेगी ये साड़ी। इसके साथ जो ब्लाउज़ का मटेरियल है वो भी सेम उसी तरीके का है, जो पल्लू में दिया हुआ है, पिंक ब्लू एंड पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में। एंड आपको इस तरीके का साइड में बॉर्डर मिल जाएगा, जो आप अपने स्लीव्स वगैरह पे अटैच करवा सकते हो। अगेन जो कॉन्ट्रास्ट है पिंक के साथ ये कलर का, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो अगर आप इस कपड़े का भी ब्लाउज सिलवाते हो तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बढ़ते सेकेंड साड़ी की तरफ। सेकेंड साड़ी है इस तरीके की मैंगो येल्लो कलर में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके ऊपर जो है इस तरीके के आपको स्क्वायर पैटर्न्स मिल जाएंगे, जिसपे रेड रेड कलर का वर्क किया हुआ है, रेड एंड गोल्डन का वर्क किया हुआ है। एंड इस तरीके का आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जिस पार्ट में प्लीट्स बनेगी उस पर इस तरीके के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर गोल्डन, एक स्क्वायर गोल्डन का है एंड एक रेड कलर में है, आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके पीछे जो थ्रेड वर्क है बहुत ही ज़्यादा नीट, जरी वर्क है बहुत ही ज़्यादा नीट तरीके से किया हुआ है। सो आपको ये बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। एंड जो इसका पल्लू है वो और भी ज़्यादा सुंदर है, वो इस तरीके का फ्लोरल लीफ पैटर्न में यहाँ पर दिया हुआ है ऑरेंज कलर में, जो कि येलो कलर को बहुत ही सुंदर तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगेन जो पल्लू है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपको इसी साइज़ का आपको पल्लू मिल जाएगा, बट जितना भी है बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। मटेरियल जो है इसका वो है कांचीपुरम सिल्क एंड इसकी जो प्राइस है वो भी है अराउंड 800 रुपीज़। सो अगेन 800 रुपीज़ में इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगेन इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको ये कंफर्टेबल रहेगा, इचिंग नहीं होगी।
बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है। इसको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। अब ये इस तरीके का स्क्वेयर्स में पैटर्न में है, गोल्डन एंड रेड स्क्वेयर्स में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका जो ब्लाउज़ है वो भी सेम मटेरियल में है। इसका जो ब्लाउज़ दिया हुआ है वो भी ऑरेंज कलर में दिया हुआ है इस तरीके का। एंड आपको यहाँ पर बॉर्डर्स मिल जाएंगे जो कि आप स्लीव्स पे या किसी और डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो। अगेन ब्लाउज़ का मटेरियल भी, साड़ी का जो मटेरियल है सेम है कांचीपुरम सिल्क में। सो इसको भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ब्लाउज़ सिलवा सकते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, काफ़ी साड़ी काफ़ी अच्छी होती है बट ब्लाउज़ का जो मटेरियल होता है वो एकदम बेकार होता है एंड वो यूज़ नहीं कर पाते। बट इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दोनों ही साड़ीज़ एकदम कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट है एंड मटेरियल वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है, आपको अराउंड 800 रुपीज़ में मिल जाता है। अगेन दोनों साड़ीज़ को आप किसी भी वेडिंग फंक्शंस में या फेस्टिवल्स में आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। बहुत ही अच्छी सी ज्वेलरी के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। इनके स्टाइलिंग वीडियोज़ मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पर डालूंगी, तो मेक श्योर कि आप मुझे वहाँ फॉलो कर रहे हो। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दोनों में से कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये था आज का क्विक सा छोटा सा एक मीशो हॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मीशो का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।